रात्रि क्लास है 15 मार्च 1966 का। पहले पेज के मध्यार्ध में जम्मू में 9-4-5 को वाणी चल रही थी, जगदीश भाई, ब्रजमोहन भाई, कुमारका आदि के बारे में बताया गया था। जैसे हद के जगदीश भाई, ब्रजमोहन भाई, कुमारका है, वैसे बेहद में भी है। वो आपस में बैठ करके लिखे, एक चित्त होकर के अच्छी रीति लिखे, उन्हों को लिखना चाहिए कि सारी बेहद की हिस्ट्री, ज्योग्राफी फ्रॉम इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड और कॉर्पोरियल वर्ल्ड, उनकी सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी हम कमेटी को बता सकते हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। कौन कौन के टीम के नाम लिए? ब्रजमोहन भाई, सारे ब्रज को मोहन करने वाला कौन है? सारे ब्रज को मोहने वाला कौन है? कृष्ण की सोल माना ब्रह्मा बाबा। और कुमारिका कौन है? कुमारी, जिसकी यादगार में बनाई जाती है कुमारी कन्या का मंदिर प्रसिद्ध है, कन्याकुमारी। कौन है? ब्रह्मा की मूर्ति तो एक मूर्ति की बात हो गई, दूसरी मूर्ति कौन है जो कुमारी का है? बेहद में वो तो अम्बा है, अम्बा कहीं कुमारी होती है, आधर कुमारी होगी कि कुमारी होगी? जगदम्बा आधर कुमारी होगी या कुमारी होगी, है तो दोनों के मंदिर। कन्याकुमारी का भी मंदिर प्रसिद्ध है और जगदम्बा का भी मंदिर प्रसिद्ध है। फिर भारत के चरणों में कौन बैठा दिखाया गया है? अरे विष्णु जी के चरणों में कौन दिखाई गई है? हाँ, कुमारी का। और सरमाथे पर किसको बिठाया है? तुरक के द्वार किसके द्वारा खोलने हैं? माताओं के द्वारा। तो माताओं में बड़ी माता कौन? जगदम्बा। लेकिन यहाँ जगदम्बा माता की बात नहीं है, किसकी बात है? कुमारी का। तो कुमारी का कौन है? संगम युगी है लक्ष्मी। और जगदीश, जगत का ईश, सारे जगत का ईश्वर कौन? नारायण। कौन सा नारायण? संगम युगी नारायण है विष्णु महाराजन, या सतयुगी नारायण? संगम युगी विष्णु महाराजन। तो ब्रजमोहन माने ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा ने तो शरीर छोड़ दिया, फिर कौन? भले शरीर छोड़ दिया लेकिन ब्रह्मा माने बड़ी माँ का पार्ट बजाने वाली अभी भी कोई यज्ञ में है या नहीं है? जगदम्बा। तो जगदम्बा में ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके पार्ट बजाती है जो सारे जग को मोह लेती है। ब्रह्मा की सोल, कृष्ण की सोल, तो ब्रजमोहन, जगदीश और कुमारिका बैठ करके आपस में लिखें कि हम सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी कमेटी को बता सकते हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। उनसे टाइम लेना चाहिए, और भी कोई आने चाहे तो आ सकते हैं। ऐसे नहीं है तीन ही समझाए, तीन के अलावा कौन सी त्रिमूर्ति बताई? ब्रह्मा विष्णु शंकर की तीन मूर्ति के अलावा कोई और भी समझाना चाहे तो
आ सकते हैं। ऐसे समझाने से ब्रह्मा कुमारियों का नाम अच्छा हो सकता है अथवा कमेटी के नाम तो मिल सकते होंगे। प्रदर्शनी भी इंग्लिश में तैयार है, दिल्ली में प्रबंध भी सहज हो सकता है, उनको बुलाने का काम हो सकता है, कसम उठाने की बात भी कमेटी के पास रख सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। इसके बाद दिए हुए हैं 16-3-66 की वाणी के रहे हुए पॉइंट्स। पॉइंट्स तो इतनी दी हुई है जो अक्षरी से समझा सकते हैं। भारत क्या था, अब क्या बना है, इस पर भाषण करें तो सर्वव्यापी का ज्ञान और कृष्ण की बात सिद्ध हो जाए। क्या था भारत? सरताज था, विश्व का मालिक था, और अब सीढ़ी के आदि में दिखाया गया है विश्व महाराजन था, और सीढ़ी के अंत में दिखाया गया अब क्या है, कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है। सीढ़ी का चित्र देखा जाए उनसे, वो कांटों की सैया पर पड़ा हुआ है भारत, और सर के नीचे रखी है गीता। उसके ऊपर उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है सिवाय गीता ज्ञान की। और ब्रह्मा बाबा पड़े हुए हैं या खड़े हुए हैं? अंतिम जन्म में भी खड़े हुए हैं। तो हम समझा सकते हैं भारत आदि में क्या था और अब अंत में क्या है। ये अगर बात समझा दें तो सर्वव्यापी का ज्ञान उड़ जाएगा। कैसे? आज का अमीर, सुबह का अमीर, शाम का फकीर कौन बनता है? हीरो पार्टधारी। वो हीरो पार्टधारी हीरा कब बनता है? जब उसमें असली हीरा शिव प्रवेश करता है, तो वो शिव उसमें मुकर्र रूप से प्रवेश करता है। आज में भी प्रवेश होकर कार्य करता है, मध्य में भी प्रवेश होकर कार्य करता है, और अंत में भी प्रवेश होकर प्रत्यक्ष होता है। और सर्वव्यापी की व्याप्त उड़ जाती है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। अगर सर्वव्यापी नहीं है तो फिर एक व्यापी किस में? एक व्यापी उसी में है जो दुनिया में अंतिम जन्म में आकर के मोहताज बन जाता है, रोडपति बन जाता है। प्रश्न की बात भी सिद्ध हो जाएगी। क्या कृष्ण गीता का भगवान नहीं है? गीता ज्ञान सुनाने वाला गीतापति भगवान कृष्ण नहीं है। गीता माता तो है, लेकिन गीता का माता का पति गीतापति भगवान इस षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी है। जिस हीरो पार्टधारी के द्वारा सारे विश्व धर्मों के ऊपर विजय प्राप्त की जाती है। झंडे में भी लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। वो विश्व पिता का कार्य है, कृष्ण बच्चे का काम नहीं है। कृष्ण को बच्चा कहा जाता है, राम को बाप कहा जाता है। बच्चा मन बच्चा बुद्धि, जितनी बात मुरली में सुना दी बस बच्चा उतनी ही बात रट लेता है। उसका बुरी अर्थ क्या है वो बच्चा बुद्धि नहीं जान सकता। तो वो बाप के रूप में समझदार भी है, टीचर के रूप में एक एक हिज्जे की व्याख्या करने वाला भी है।
कोई कहे कि भगवान आया हुआ है तो भगवान अपनी मुरली क्यों नहीं चलाता? अरे भगवान की भी अपनी मुरली और पराई मुरली होती है। मुरली तो एक ही मुरलीधर की होती है, एक ही मुरली है, मुरली कोई अलग अलग नहीं हो सकती। मुरली का ज्ञान देने वाला एक है और वो एक जो कुछ भी ब्रह्मा के मुख से सुनाता है, गीता माता का मुख निमित्त बनता है। इसलिए मुरली में कहा वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। क्या कौन है जगदम्बा? ब्रह्मा की सोली ही तुम्हारी जगदम्बा है। कहन शक्ति का पाठ भी किसने बजाया? जगदम्बा ब्रह्मा ने बजाया। ब्रह्मा का अर्थ भी जगदम्बा है, जगदम्बा का अर्थ भी जगदम्बा है। वही ब्रह्मा की सोल जब उसकी नारी चोली में प्रवेश करती है तो पाठ बजाती है जगदम्बा का। पुरुष चोली में प्रवेश है तो उसकी पूजा नहीं होती, नारी चोली में प्रवेश करती है तो स्वरूप की पूजा होने लग पड़ती है। तो वो रचना है, चाहे माता के रूप में हो और चाहे कृष्ण बच्चे के रूप में हो। कृष्ण बच्चे के रूप में वो फर्स्ट क्लास रचना है और माता के रूप में जब प्रत्यक्ष होती है तो वो पहली रचना है। संसार में भी पुरुष की पहली रचना कौन होती है? पिता की। जो पिता बनता है उसकी पहली रचना कौन होता है? माता होती है। माता पहली रचना है जगदम्बा, लेकिन फर्स्ट क्लास रचना नहीं। फर्स्ट क्लास रचना कौन? कृष्ण बच्चा माने ब्रह्मा बाबा संगम युग में, यज्ञ के आदि में जो भी माता पिता थे वो जगत के पिता और जगदम्बा अथवा गीता माता थे। उनसे जो पहली रचना पैदा हुई उनके द्वारा मुरली चलाई गई। वो टाइटलधारी ब्रह्मा थे, उनको प्रजापिता ब्रह्मा का टाइटल मिला, जैसे बच्चे को बाप का टाइटल मिल जाता है। बाकी बच्चा बाप का काम पूरा नहीं कर सकता, बाप का काम बाप ही पूरा कर सकता है। नई सृष्टि रचने का काम बाप का है, तो वो बाप कृष्ण बच्चे के द्वारा कार्य का आरंभ करता है। ब्रह्मा बाबा और कृष्ण बच्चे की आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो परमात्मा शिव जो असली प्रजापिता है यज्ञ के आदि वाला, वो जो दूसरा जन्म लेकर के आता है उसमें प्रवेश करके विश्व पिता बनकर के संसार के सामने प्रत्यक्ष होना शुरू होता है। कब से? 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष जो मनाया गया। तो इस पर अच्छी रीति भाषण करके समझाना चाहिए, लेख लिख करके बताना चाहिए कि वो परमपिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी होकर के संसार में प्रत्यक्ष होता है। वही गीता का भगवान है। कृष्ण तो उससे पैदा होने वाला बच्चा है। संगम युग में भी कृष्ण की सोल उर्फ दादा लेखराज बच्चा बुद्धि का पाठ बजाती है। बच्चा बुद्धि का पाठ न बजाया होता तो 76 में बाहर की दुनिया में विनाश की घोषणा न की होती। विनाश की घोषणा जो 76 में की गई थी 77 के लिए, उसका कनेक्शन बाहर की दुनिया से था, उसका कनेक्शन बाहर की दुनिया से नहीं था, ब्राह्मण की संगमी की दुनिया से उसका कनेक्शन था। यज्ञ में से यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी तो शुरुआत कहां से होगी? बाहर की दुनिया से।
यज्ञ कुंड शरीर विनाश द्वारा प्रचलित हुई, ब्राह्मणों के अंदर फ्रिक्शन पड़ गया, दो पार्टियां हो गई, वो विघटन विनाश की शुरुआत हो गई। कहां? ब्राह्मणों की संगम की दुनिया शुरुआत हुई है तो उसका अंत भी होगा। वो पाठ मुदा हुआ है शंकर द्वारा, पुरानी दुनिया का विनाश और नए संगठन की स्थापना। तो स्थापना की भी शुरुआत हुई संक्षेत्र से और विनाश विघटन की भी शुरुआत हुई। शंकर का पाठ पूरा होता है तो नारायण का पाठ शुरू होता है। व्यक्तित्व एक ही है, एक ही व्यक्तित्व आदि में शंकर का पाठ बजाता है और अंत में जब नई दुनिया की स्थापना का टाइम होता है तो विष्णु अथवा नारायण का पाठ बजाता है। तो तुम बच्चे अच्छी रीति पॉइंट समझा सकते हो, भारत क्या था अब क्या बना है। अभी जोर से आवाज नहीं हुआ है, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आवाज हो ये लिखा पड़ी हो अच्छी सी। कुछ बॉम्बे और दिल्ली है और तो बाकी इन बातों में डल हेडेड बुद्धि है। क्या जो आठ निकलेंगे अस्तरतन कहां से निकलेंगे, विशेष कहां से निकलेंगे? बम्बई है विनाशकारी, दिल्ली है स्थापनाकारी, तो वो आठ की प्रत्यक्षता होगी कहां से? दिल्ली है विनाशकारी, वो दिल्ली है स्थापनाकारी और बम्बई है विनाशकारी, तो दो ही तो मूर्ति है, स्थापना करने वाला ब्रह्मा और विनाश करने वाला विनाशकारी मूर्ति शंकर। तो दो मूर्तियों में दो का जो विशेष शहर बता दिया, शंकर का विशेष शहर कौन सा बताया? हर हर बम बम के नाम पर कौन सा शहर का नाम पड़ गया? बॉम्बे। तो जरूर ज्ञान बम्बों का फटाका हुआ होगा वहां से। तो बॉम्बे विनाशकारी, विनाश भी कल्याणकारी है या नुकसानकारक है? कल्याणकारी। जब तक आसुरी वृत्तियों का असुरों का विनाश नहीं होगा तब तक नई दुनिया की प्रत्यक्षता नहीं हो सकती, तो वो भी जरूरी है। लेकिन पहले स्थापना होती है कि पहले विनाश होता है? पहले पहले कोई मकान जो है वो मकान बनाने के लिए पहले थोड़ा सा एक कमरा सामान वामन रखने के लिए तैयार किया जाता है कि नहीं? पहले स्थापना, भले छोटा रूप हो छोटा सा संगठन हो, पहले स्थापना फिर विनाश। तो स्थापना का एक संगठन तैयार होता है, छोटा सा संगठन सूर्यवंशी संगठन, और वो सूर्यवंशी संगठन तैयार होने पर वो संगठन फिर एक दूसरे संगठनों को खींचता है। इसलिए अद्वैतवादी ने बोला है एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो अभी वो टाइम आया कि नहीं आया? अभी वो टाइम आ गया। ब्रह्मा बाबा के 30-35 साल पूरे हो गए। क्या जो 30-35 साल का समय था वो उनका पूरा हुआ? ऐसे ही शंकर की मूर्ति के भी 30-35 साल पूरे होने जा रहे हैं, वो भी टाइम पूरा हुआ। संक्षेपण से 2006 तक ये 30 साल पूरे हो रहे हैं ना, तो ये भी पूरा होने जा रहा है। अब एक तरफ विष्णु की मूर्ति प्रत्यक्ष होगी
और दूसरी तरफ विनाश चला जा रहा। विष्णु की मूर्ति की भी दो रूप है, एक आधार मूर्तों की दुनिया में और एक विजरूप आत्माओं की दुनिया में। विजरूप आत्माओं की दुनिया है या नहीं है? कितने की विजरूप आत्मा है? वो कितनी है जो माला जिनकी 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 माला का गायन है? 108। तो उसमें भी कोई है विशेष मण के जो पहला संगठन तैयार कर लेते हैं। वो पहला संगठन तैयार होना माना विनाश की नगाड़ी बजना। तो बताया कि दिल्ली और बंबई है वो कुछ है, यहाँ से आवाज निकल सकती है और तो बाकी इन बातों में डल हेडेड है, माने ज्ञान की बातों में उनकी बुद्धि उतनी नहीं चलती। नानी जी बहुत सहज समझ जावे, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले समझ जावे, परंतु फिर पवित्र भी तो रहे। भले नॉलेज सहज है लेकिन इस नॉलेज की प्रत्यक्षता के लिए क्या जरूरी है? प्योरिटी बहुत जरूरी है। योग में रहें बहुत मुश्किल, योग में रहना बहुत डिफिकल्ट बात है। बहुत कम रहते हैं, परमातीत अवस्था योग से होती है। क्या ज्ञान से परमातीत अवस्था नहीं हो सकती? धारणावान बनने से भी कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती और सेवा करने से भी कर्मातीत अवस्था नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है? याद से ही कर्मातीत अवस्था होती है। तो जो तीन मूर्तियां हैं उनमें याद स्वरूप कौन दिखाया गया? शंकर को याद रूप दिखाया गया है। तो साबित हुआ कि पहले पहले कर्मातीत अवस्था किसकी होनी है? शंकर जी की कर्मातीत अवस्था होनी। तो जिसकी कर्मातीत अवस्था होनी है उसकी नगरी का नाम क्या बता दिया? बंबई। इसलिए बताया वो तीसरे नेत्र वाले की जो नगरी है वो ज्ञान में बड़ी तीखे। दिल्ली वाले भी तीखे, वो स्थापना के कार्य में तीखे है, वो विनाश के कार्य में तीखे है। वो तीखापन जो है वो विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कराता है। और बाप की याद खुशी मिलाती है। योग से कर्मातीत अवस्था होती है, कर्मातीत अवस्था हुई माना सब कार्य संपन्न स्वतः ही होने लगते हैं। याद खुशी में भी लाती है। बहुत सहज में सहज ये है। क्या क्या बात सहज में सहज है? और अभी तो बोला याद में रहे बहुत मुश्किल है। दोनों बातें कैसे होंगी? कर्मातीत अवस्था हो जाए तो बहुत सहज है। जो पाप कर्म है पूर्व जन्मों के वो सारे ही भस्म हो जाए तो याद में रहना बहुत सहज है। और अगर कर्मातीत अवस्था नहीं हुई, पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों का पापों का बोझ जो है वो आत्मा के ऊपर पड़ा हुआ है तो याद में रहना बहुत मुश्किल। कर्मातीत अवस्था हो जावे और लड़ाई शुरू हो जावे, कमाई में कोई भी शारीरिक तकलीफ नहीं है। अच्छा, मनुष्य से देवता बन जाना यह भी ज्ञान और योग का जादू है। क्या ज्ञान की खसूसियत है, योग की खसूसियत है कि मनुष्य को देवता बनाई देती है। हरेक बात अर्थ सहित है, यह है बाप से गुप्त बात चाहिए लेना। जैसे गुप्त दान होता है कोई को भी पता न पड़े। क्या दान इस तरह देना है
चाहे कोई भी चीज का दान हो, धन का ही दान की बात नहीं है, कोई वस्तु का दान हो, धन का दान हो, योग दान हो, ज्ञान का दान हो। इसलिए एक एक को बैठ के समझाना चाहिए या हुजूम को बैठ करके भाषण दे देना चाहिए, कौन सा दान श्रेष्ठ है? ज्ञान दान कौन सा दान श्रेष्ठ है? ज्ञान तो आजकल के बड़े बड़े धर्मगुरु जो हैं वो तो लाखों के मंजिल में बैठ करके ज्ञान दान दे देते हैं। तो प्रत्यक्ष हुआ है या गुप्त हुआ? तो प्रत्यक्ष हो गया। ब्रह्मा कुमार कुमारी अभी क्या कर रहे हैं? हुजूम को दे रहे हैं या एक एक के ऊपर ज्यादा मेहनत कर रहे हैं? अभी पहले करते थे, पहले सप्ताह कोर्स का और भट्टी का महत्व होता था, अभी वो महत्व नहीं रहा। तो पैसा कमाने वाले जो होते हैं वो हुजूम को बैठ करके देते हैं, और जन जन्मांतर की जो प्रारब्ध है वो बनाने के लिए, जन जन्मांतर के वारसदार तैयार करने के लिए एक एक आत्मा को बैठ के समझाने में ज्यादा गुप्त रहता है। एक आत्मा को बैठ के समझाएंगे उसको दृष्टि मिलेगी पवित्र की, व्यभिचारी दृष्टि मिलेगी, अव्यभिचारी दृष्टि मिलेगी। वृत्ति कैसी मिलेगी? जब दृष्टि अव्यभिचारी होगी तो वाइब्रेशन भी अव्यभिचारी मिलेगा, और जो वाचा से वाचा का मेल होगा वो एक क्वेश्चन करेगा और एक ही उसका जवाब देगा। नहीं तो हुजूम बैठा होता है वो तो प्रश्नोत्तर की बात ही नहीं। अगर दो चार बैठे हुए हैं तो एक क्या करेगा? एक प्रश्न करेगा, दूसरे का उससे उस प्रश्न से कोई इंटरेस्ट नहीं है। कोई इंटरेस्ट न होने की वजह से वो दूसरे लोग सोते रहेंगे तो वाइब्रेशन खराब हो जाएगा, वाइब्रेशन खराब होगा, वृत्तियां खराब होंगी, तो बिगाड़ होगा या सुधार होगा? बिगाड़ होगा। तो बोला यहाँ तो हर बात अर्थ सहित है, जैसे गुप्त दान होता है कोई को पता नहीं पड़े, बाप भी तुमको गुप्त दान दे रहे हैं। क्या बाप जो तुमको ज्ञान रत्नों का दान दे रहे हैं वो पता चलता है कि किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे, किसको प्रत्यक्ष दे रहे हैं किसको गुप्त दे रहे हैं? प्रत्यक्ष को किसी को देते नहीं, गुप्त ही दे रहे हैं। इसलिए कोई उठाता है कोई नहीं उठाता है, उठाने वाले जो है वो भी पुरुषार्थी, जैसा जैसा उनका पुरुषार्थ वैसा वैसा उनका उठाना होता है, दुनिया को पता नहीं पड़ता। वर्षा कहो दान कहो बच्चों की बुद्धि में बहुत पॉइंट मिलती रहती है। बाबा बेहद का बाबा जिसको सब याद करते हैं वो ही रहते हैं। कौन? शिव बाबा परम धाम में रहने वाला बिंदु, वो शिव बाबा नहीं है, वो शिव बाप है। बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप है। वो जब साकार तन में प्रवेश करता है तो दूसरे संबंध बनते हैं। बाबा माने ग्रैंड फादर। तो साकार तन में प्रवेश करने पर वो शिव बाबा बनता है, और वो शिव बाबा बेहद का बाबा है, हद का बाबा नहीं है। हद का बाबा जो होते हैं वो ग्रैंड फादर कितनों के बाबा होते हैं? दो चार पांच आठ दस पांच पचास बच्चों के बाप होंगे। अच्छा धर्म पिताओं के रूप में 100 करोड़ 150 करोड़ के बाप होंगे, इससे जाती तो हो नहीं सके। लेकिन वो 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप बनता है। जब इस भंभोर को आग लगेगी तो 500-700 मनुष्य आत्माएं सरेंडर हो जाएंगी, उसको अपना बाप स्वीकार करेंगी, प्रैक्टिकल में मानेंगी ये गॉड फादर, ये एडम है, आदम है, विश्व पिता है। जरूर भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया होगा, बरोबर भारत को स्वर्ग का वर्षा था, चित्र भी है, सतयुग था, अभी तो कलयुग है, कलयुग में सब पतित बन जाते हैं, सब माने
500 करोड़ मनुष्य आत्माएं तो पतित बनती हैं, लेकिन जो देवात्माएं होती हैं वो भी पतित बन जाती है। देवात्माएं भी पतित बनती हैं, देवात्माओं में भी जो ऊंच से ऊंच पद पाने वाले हैं वो भी पतित बनते हैं। जो सारे विश्व का पिता था वो भी पतित बनता है। सब पतित बन जाते हैं, पाप आत्माओं की दुनिया बन जाती है। पाप आत्मा को फिर पुण्य आत्मा बनाना ये सिवाय बाप के और कोई का काम नहीं हो सकता। क्या पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाने के लिए कौन चाहिए? वो भी सुप्रीम सोल बाप चाहिए। सुप्रीम सोल बाप मनुष्य सृष्टि के पिता में आकर के प्रवेश करता है और सारी ह्यूमिनिटी को पतित से पावन बनाता है, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाता है, पुण्य करने वाली आत्मा। दुआ दो और दुआ लो, खुश रहो और दूसरों को खुश रखो, न दुख दो और न दुख लो। तुम भी बहुत दान देते हो तो 21 जन्म पुण्यात्मा बन जाते हो। वहां 21 जन्म कोई भी पाप आत्मा नहीं बनता। 21 जन्म जब पूरे होते हैं तो थोड़े पुण्यात्मा थोड़े पाप आत्मा बनते रहते। तुम ईश्वर को डायरेक्ट देते हो। क्या था कारण? क्या हुआ? पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनने का फाउंडेशन क्या हुआ? क्या कार्य करते हो तुम जो तुम पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनते हो? तुम अपना तन, तुम अपना मन, तुम अपना धन क्या करते हो? डायरेक्ट ईश्वर को देते हो। जो डायरेक्ट ईश्वर का पार्टधारी है उसके हाथ में देते हो, और कोई मनुष्य गुरु के हाथ में वो पावर नहीं सौंपते हो। न तन की पावर सौंपते हो, न धन की पावर सौंपते हो, और न जो मन के संकल्पों की पावर है वो भी और किसी के हाथ में नहीं सौंपते। तुम ऐसा पुण्य करते हो सो भी जो काम सच्चाई से किया जाता है वो सफलीभूत होता है। 21 जन्म के लिए पुण्यात्मा बन जाते हो। बाप समझाते हैं तुमको पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाया जाता है। क्या तुम पुण्यात्मा थे नहीं? आखिरी जन्म में थे पाप आत्मा। तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों से, सब तरीकों से तुम पाप ही करते थे। अभी तुमको पाप आत्मा से पुण्यात्मा बनाया जाता है। दान या पुण्य कितना करते हैं? देवताओं जैसा पुण्यात्मा कोई है नहीं, तो जरूर इतना दान किया है ना? क्या यहाँ कौन से देवताओं की बात है? सचिव के देवताओं की बात है या संगम युग में जो देवताएं बन जाते हैं मनुष्य से देवता उनकी बात है? वो कितने हैं टोटल याद? वो संख्या में 33 करोड़ की तो बात नहीं है। 9 लाख? 9 लाख की भी बात नहीं है? 9 लाख में आगे तो जन्म लेने वाले हैं 4.5 लाख है ऐसे जो पाप आत्मा से पुण्यात्मा इसी जन्म में बन जाते हैं। जरूर इतना दान किया है। कितना? कि 84 जन्म लेने वाले पुण्यात्मा देवात्मा ही बन जाते हैं। बलि चढ़ाया जाता है ना? बाबा ये सब कुछ आपका है। तो जब सब कुछ आपका है तो बड़े से बड़े पुण्यात्मा हो गए ना? भारत में दान पुण्य बहुत होता है। सबसे जास्ती पुण्य अभी होता है क्या? न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। कब?
संग विभु में भी जब परमात्मा बाप के डायरेक्ट स्वरूप को तुम बच्चे पहचान लेते हो तब तुम्हारा कहेंगे सबसे जास्ती पुण्य हुआ। तुम सब दान देते हो तो 21 जन्म पुण्यात्मा बनते हो। नंगे आए नंगे जाना है। अठारह तीन 66 की वाणी का दूसरा पेज। इसलिए कहते हैं बाबा जो कुछ है आपका ही है। तो बाप कहते हैं ये नई दुनिया तुम्हारी है। तुम्हारा जो भी पुराना ककपन है तुम कहते हो ये सब बाप का है। तो बाप कहते हैं जो नई दुनिया है वो सब तुम्हारी है। माने नई दुनिया का जो भी संगठन संसार के सामने प्रत्यक्ष होने वाला है जिसे दुनिया में पैराडाइज कहा जाता है। अंग्रेज लोग उसे कहते हैं पैराडाइज, खुदा की करतूत। मुसलमान लोग उसे कहते हैं जन्नत। हिंदू लोग उसे कहते हैं बैकुंठ। बाप कहते हैं ये तुम्हारा है हमारा नहीं है। जो कुछ है सब आपका है। यूं तो सब कुछ छोड़ना ही है क्या? यूं तो भाई अभी नहीं छोड़ोगे। ज्ञान के आधार पर अगर तुम्हारी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है कि हम स्वतः ही अपने आप सब कुछ छोड़ दें तो भी क्या होगा अंत में? ये तन है, ये मन है, ये धन है, ये समय है, ये शक्तियां, ये देह के संबंधी, ये तुम्हारे साथ जाएंगे क्या? नहीं। विनाश होगा तो सबका विनाश हो जाएगा। तो बोला यूं भी तो सब कुछ छोड़ना ही है। मृत्यु लोक का अब मृत्यु होना है। मृत्यु होता है तो सब कुछ दे दिया जाता है। आदमी की मौत होती है तो क्या करते हैं कोर्ट में जाकर? जो कुछ उनके पास होता है सब बिल कर देते हैं। तो बाप भी तुमको विश्व की बादशाही बिल कर देते हैं। समझते बहुत अच्छा है परंतु इतना पुरुषार्थ करके ऊंच पद पावे, ऊंच वर्षा पावे, पुरुषार्थ करने वाले कम निकलते हैं। बाप जैसा पुरुषार्थ कराना चाहते हैं ऐसा पुरुषार्थ करने वाले बच्चे बहुत थोड़े निकल रहे हैं। सीढ़ी पर समझाना बड़ा सहज है। पूज्य से पुजारी कैसे बनते हैं वो तुमको बाप बैठ समझाते हैं। 84 की सीढ़ी बहुत अच्छी है। पहले चित्रों पर समझाने के बाद फिर मुंह जवानी समझाओ तो भी बहुत तेरे समझ जाएगी। एक बार चित्र देखा फिर दूसरों को भी समझाते रहेंगे। सीढ़ी देखी बुद्धि में बैठ जाता है। 84 जन्म हम ही लेते हैं। पहले हमको जाना है फिर नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार पद मिलता है। तो रात दिन का फर्क है किसमें 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 रात दिन का फर्क है? जो सीढ़ी की नॉलेज को गहराई से समझ लेते हैं, जिनकी बुद्धि में सीढ़ी की ज्ञान बैठ जाता है झट से, उनमें और जो सीढ़ी की नॉलेज को नहीं समझ पाते हैं उतना गहराई से, उनमें रात दिन का फर्क है। क्योंकि सीढ़ी की नॉलेज को समझने वाले पक्के भारतवासी हैं, उन्हें सीढ़ी का चित्र बहुत पसंद आवेगा। दूसरे धर्म वालों को सीढ़ी का चित्र उतना पसंद नहीं आवेगा क्योंकि सीढ़ी के चित्र का हेडिंग क्या है? भारत के उत्थान और पतन की 84 जन्मों की कहानी। ये भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं क्या? 11 की बात बताई कि जो पक्के भारतवासी हैं वो 84 जन्म लेते हैं और जो कम जन्म लेने वाले हैं, जो सेकंड नारायण के राज्य में आवेंगे या थर्ड नारायण के राज्य में आवेंगे, मनु कुमार का दादी है या विश्व किशोर भाऊ थे,
वो सतयुग में जाकर किसके वारिसदार बनेंगे? कुमारिका दादी और विश्व किशोर भाव को मम्मा बाबा ने सारी अथॉरिटी सौंपी हुई थी ना, शरीर छोड़ने के बाद भी सारी अथॉरिटी किसके हाथ में है? यज्ञ की सारी अथॉरिटी किसके हाथ में रही? कुमारिका दादी की। जब तक विश्व किशोर भाव जीवित रहे, बाबा ने उनके हाथ में सारी अथॉरिटी सौंपी, इतना जिम्मेवारी और किसी बच्चे के हाथ में नहीं सौंपी। तो यहाँ शूटिंग तो हो गई ना, तो सचिव में उनकी गति का मालिक कौन बनेगा? कौन बनेगा? जिसने यहाँ लिया होगा वही वहां भी लेगा, तो सेकंड नारायण बन जाता है। सेकंड नारायण और नारायण क्लियर हुए कि नहीं? हो गए। जो फर्स्ट नारायण है उसमें अव्वल नंबर का धर्म पिता प्रवेश करता है। अल्लाह अव्वल दीन, दीन माना धर्म, अव्वल नंबर दीन माना धर्म की स्थापना करने वाला प्रवेश करता है। किसमें? अव्वल नंबर के नारायण। अव्वल नंबर का नारायण कौन? नरसे नारायण या नरसे प्रिंस? नरसे नारायण में अव्वल नंबर का धर्म पिता प्रवेश करता है, अव्वल नंबर धर्म की स्थापना के लिए। तो दो नंबर का धर्म पिता कौन है? अरे नंबर दो का धर्म पिता कौन है? इब्राहिम। तो वो किसी में प्रवेश करेगा? अरे शास्त्रों में जो गायन होता है वो पहले नंबर नारायण का है, नर नारायण का गायन है, या सेकंड थर्ड फोर्थ आठ नारायण सात नारायण का गायन है? सात नारायण का कोई गायन नहीं, कोई पूजन नहीं, कोई मंदिर नहीं, फर्स्ट नारायण का गायन है। तो दूसरे नारायण का गायन पूजन क्यों नहीं होता है? कोई कारण होगा ना, उनका कोई मंदिर क्यों नहीं होता है? कोई तो कारण होगा ना। अरे मंदिरों में जो पूजा होती है उस पूजा का कोई आधार होता है या नहीं? पूजा का क्या आधार है? अरे पूजा का आधार है प्योरिटी। ब्राह्मण बनकर के जिसने जीवन में पूरी प्योरिटी कोई धारणा की है, पवित्रता को पूरा अपनाया है गृहस्थ जीवन में रहते हुए, तो वो जरूर शास्त्री का अधिकारी बन जाता है। और जिसने न खुद उस रास्ते को अपनाया पवित्रता के रास्ते को, न दूसरों को अपनाने दिया, न खुद पवित्र रहा न दूसरों को पवित्र रहने दिया, तो फर्स्ट नारायण का राज्य पाएगा या निचले नारायणों का राज्य पाएगा? निचले नारायणों के राज्य में जाएगा। तो सेकंड रहम पिता वो सेकंड नारायण में प्रवेश करता है, फर्स्ट नंबर का धर्म पिता फर्स्ट नारायण में प्रवेश करता है, थर्ड नंबर का धर्म पिता सतयुग के थर्ड नारायण में प्रवेश करता है। माने जिस नंबर का नारायण उसी नंबर के धर्म पिता का आधार बनता है। तो बताया कि सीढ़ी 84 की बहुत अच्छी है समझाने के लिए, जवानी समझाओ तो भी समझ जाए। एक बार चित्र देखा तो बुद्धि में बैठ जाता है, तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पद मिलता है। एक जैसा पद सभी को नहीं मिल सकता। कोई सतयुग का सेकंड नारायण बनेगा, कोई थर्ड बनेगा, कोई आठवां नारायण बनेगा। रात दिन का फर्क हो जाता है। गाया जाता है माया जीते जगत जी, क्या जगत जीत कौन बन सकता है? जो माया को जीते जीतने का पुरुषार्थ करे। तो किसी को जीता जाता है तो उसी में युद्ध करनी पड़ती है कि नहीं, कि बिना युद्ध किए जीत लिया जाता है? बिना युद्ध के तो कोई राज्य जीता नहीं गया। आज की हिस्ट्री, आज तक की हिस्ट्री ये बात बताती है। तो ये भी बेहद की लड़ाई है, हमारी हद की बाहुबल की लड़ाई नहीं है, हमारी ज्ञान की लड़ाई है। पांडव ज्ञान की लड़ाई लड़ते हैं, कौरव और यवन
ये बाहुबल की लड़ाई लड़ते हैं। यज्ञ के अंदर भी ऐसा ही, जो जन्म जन्मांतर है कौरव बनने वाले हैं, यवन अर्थात मुसलमान बनने वाले हैं, वो बाहुबल का प्रयोग करेंगे। बाहुबल में तन का बल भी आ जाता है, हाथापाई भी आ जाती है, और जो तन के बल से कमाया हुआ धन है अस्वच्छ तरीके से, उस धन का उपयोग भी आ जाता है। किसी को घूस दे करके उल्टा काम करा लिया जाता है तो बाहुबल कहा जाएगा या योग बल कहा जाएगा? उधर भी बाहुबल कहा जाएगा। तो गाया जाता है माया जीते जगत जीत। अगर जगत जीत बनने का पुरुषार्थ करना है, जगत जीत वालों की लिस्ट में आना है, असल सूर्यवंशी बनना है, तो क्या करना पड़े? माया से युद्ध करना पड़े। माया को बाबा क्या कहते हैं? माया, माया बेटी। माया, माया बेटी तो कोई पर्सनालिटी हुई ना? नहीं हुई। पर्सनालिटी कैसी? तो उसके फॉलोअर्स ये समझते हैं बहुत ऊंचा पुरुषार्थी है, और बाबा ने उसको क्या नाम दे दिया? माया बेटी। ये पुरुषार्थी बहुत ऊंचा नहीं है, नंबर दो के धर्म पिता का आधार बनने वाला है। उसमें जन्म जन्म जन्मांतर के जो इस्लामियत के संस्कार व्यभिचार के भरे हुए हैं, वो व्यभिचारी बनती है और दूसरों को व्यभिचारी बनाती है। नरक में गोते खाती है और दूसरों को नरक में गोते खिलाती है, ऐसा टाइटल दे दिया। तो माया बेटी को जो जीतेंगे वो जगत जीत बनेंगे। ये युद्ध करना पड़ेगा। गेट वे टू हेवन इज महाभारत कहा जाता है, माने महावाणी महाभारत गृह युद्ध स्वर्ग के गेट खोलेगा। जो युद्ध में से पसार होगा वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा। अगर युद्ध में से युद्ध करते हुए पसार न हुआ, क्रॉस न किया, तो स्वर्ग के गेट में घुस नहीं सकता। तुमको तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, ज्ञान का युद्ध तो करना है, लेकिन पहली शर्त क्या है? सतो प्रधान बनकर के युद्ध करना है। तामसी युद्ध नहीं करना है। पावन से पतित बनना, यानी पांच विकारों से माया से हार खा जाना। पतित किसे कहा जाता है? तन से पतित, मन से पतित, धन से पतित, समय भी व्यर्थ गवाए तो उसे भी कहेंगे पतित। समय नीचे गिरा, समय को गड्ढे में गवाया, ये समय की वैल्यू की? जो समय को बर्बाद करता आज की दुनिया में, सबसे जास्ती वैल्यूबल चीज कौन सी है? समय। धन की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई, मनुष्य की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई, संबंधियों की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई, धन की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई। बहुत से कुत्ते बाछे हैं जो कारों में घूमते हैं, खीर पूरी खाते हैं, मनुष्य के धन की कोई वैल्यू नहीं है। समय की वैल्यू, क्योंकि अभी परमात्मा बाप आया हुआ है, लास्ट चांस चल रहा है, टू लेट का बोर्ड अभी नहीं लगा है। चाहे तो हम जन्म जन्मांतर की प्राप्ति परमात्मा बाप से कर सकते हैं, सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सकते हैं। तो गाया जाता है माया जीते जगत जीत। माया रावण पर जीत पाने से जगत जीत बनोगे, तो समझानी बहुत अच्छी है। समझानी जो बाप देते हैं वो बहुत अच्छी समझानी है, इसलिए बाप को सदगुरु कहा जाता है। क्या? सदगुरु तारे और मनुष्य गुरु गोरे। मनुष्य गुरु ने क्या किया? बुढ़ा दिया, माने डुबा दिया,
क्या क्या डुबा दिया, तन भी डूब गया, मन भी डूब गया, धन भी डूब गया। आज की दुनिया में जो कोई धनवान है वो पसीने की कमाई से धनवान नहीं बने। कौन सी कमाई से धनवान बने? ब्लैक मेल की जो कमाई है उससे धनवान बने। पसीने की कमाई से आज की दुनिया में कोई भी करोड़पति लखपति नहीं बन सकता है। तो सारा का सारा जो भी इस दुनिया में कमाई की जा रही है वो सब पतितपना है। पावन तो बापिया करके बनाते हैं। पतित माना नीचे गिरा हुआ, पावन माना ऊंचा उठा हुआ, तन की शक्ति क्षीण होती है माना पतित है। मोटी मोटी भाषा में देखा जाता है तो कह देते हैं कि विकार में गया तो पतित है, विकारी कर्मेंद्रियों से भोग किया तो पतित है। नहीं, बाप ने तो बताया गृहस्थ जीवन में रहना है। गृहस्थ जीवन में रहना माना साथ साथ रहना, साथ साथ सोना, साथ साथ खाना, साथ साथ सारा कार्य करना। लेकिन कर्मेंद्रियों में क्षीणता ना आए, पतितपना ना आए, कर्मेंद्रियों से शक्ति क्षीण हुई मनन पतित हुआ। ऐसी जो शक्तियों से क्षीण होते हैं उनका तन बल भी क्षीण होता है, उनको बाप की याद आना बंद हो जाती है, या मनन चिंतन मंथन चलना बंद हो जाता है, तो मन भी क्षीण हो जाता है। तो पतित पने की और पावन पने की परिभाषा बहुत गहरी है। उस परिभाषा को सब कोई नहीं समझते हैं। कोई तो सन्यासी में गर्भा खड़े होते हैं, गर्भारी छोड़ देते हैं, वो तो और भारी पाप हो गया। उसको शक्ति पवित्रता नहीं कहा जा सकता, वो कायरों की पवित्रता है। जैसे कोई 10 साल जेल में रहे और बाहर निकलने के बाद दिन आके कि हमने 10 साल पवित्रता का ब्रह्मचर्य का पालन किया, तो ये उसकी दिन हाँकना है। वास्तव में वो पवित्रता नहीं है, वो तो मजबूरी है। मजबूरी को थोड़ी पवित्रता कहा जाए। भोग और योग, योगी वो है जो चीज सामने हो, सामने नहीं उसमें डूबा हुआ हो, उस धन संपत्ति वैभव में, और डूबे होने के बावजूद भी शक्ति क्षीण हो, न मनोबल क्षीण हो, न तन बल से क्षीण हो, और न चरित्रता से क्षीण हो। दुख देने की तो बात ही नहीं, दुख तो विकार ही देते हैं। वे माना विपरीत, कार्य माना कार्य करने वाले, जो कार्य करना चाहिए वो नहीं करते। कर्म इंद्रियों से किसी को दुख दिया, तंग किया, परेशान किया, वो है विकार, विकृति। विकारी दूसरों को दुख देता है। कर्मेंद्रियों से कोई ऐसा कार्य किया ही नहीं जिससे दूसरे को दुख हो, तो उसे विकारी थोड़ी कहा जाएगा। विकारी और निर्विकारी, निशेष है ऐसा भाव जिसमें दूसरों को दुख दिया जाए, वो है निर्विकारी। तो बाप कहते हैं, बच्चे अब मैं तुमको जन्म जन्मांतर के लिए निर्विकारी बनाने आया हूं। तुम शेष इंद्रियों से सुख भोगेंगे, नाक, आंख, कान, मुख, ये शेष इंद्रियां, ये शेष इंद्रियों का जो सुख होगा वो
सदाकाल का सुख होगा। आज के टाइम में जो सुख भोगा जाता है वो विकारी सुख कहा जाता है, क्योंकि विकृति पैदा करता है। मैं तो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगना तुमको सिखाया था, और ये सुख आप ही सिखा सकते हैं। ये सुख का लेन देन मनुष्य की दृष्टि मनुष्य को पावन नहीं बना सकती। पावन दृष्टि वाला सिर्फ परमात्मा बाप ही बना सकता है। वो बाप आया हुआ है, बाप कहता है बच्चे अब तुम्हारी दृष्टि से सृष्टि पवित्र बनने वाली है। कब बनेगी? जब तुम्हारी दृष्टि पावन बन जाए। तुम्हारी दृष्टि पावन बनेगी बाप की दृष्टि से। जो खुद ही पति दृष्टि वाले हैं वो दूसरों को पावन कैसे बना देंगे? इस पति दुनिया में सब पतित हैं, एक भी पावन नहीं, तो पावन कौन बनाएगा? जरूर जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है वो इस शक्ति पर आता है, वो ही जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा पतितों को पावन बनाता है। जगदम्बा है संगम युग में, और लक्ष्मी है सतयुग में। परिवार सतयुग होगा उसमें लक्ष्मी होगी। जगदम्बा लक्ष्मी का पद नहीं पाती है, महालक्ष्मी बन सकती है संगम युग की। माने लक्ष्मी के और जगदम्बा के संस्कार मिलकर के अंत में एक हो जाएंगे। जगदम्बा में है सामना करने की ताकत, लक्ष्मी में है चयन करने की शक्ति। दोनों शक्तियां मिलकर एक हो जाएंगी, बैलेंस हो जाएगा। कृष्ण मथुरा में पैदा हुआ था, वो अपनी जन्मभूमि में क्यों नहीं जाता था? वृंदावन में क्यों रहता था? गौड़े में नहीं, कंस उसको मारने के लिए तैयार था। हाँ। इसलिए छुप के गौड़े में रहता था। राम ने अयोध्या में रहकर के रावण से लड़ाई क्यों नहीं की? जंगल में क्यों छुपा छुपा फिर रहा था? सीता को ले गया, इसलिए सीता को ले गया, लेकिन जंगल में क्यों रहकर की लड़ाई की? सीता जी सीता जी के तो बस के लिए वन में रहना पड़ता है नहीं, बचन के लिए इसलिए लड़ाई की जंगल में रहकर के। तो उसको रावण से सीधे युद्ध नहीं करना था। लोग सोचते हैं बाहुबल का युद्ध किया, लेकिन बाहुबल का युद्ध करना ही नहीं था। शंकर जी भस्मासुर के गढ़ से इधर उधर भागे भागे दुनिया में क्यों फिरे? शंकर जी तो जो बल दिया है तो नहीं सोचा, हम तो बल दिया है जिसके मस्तक में हाथ रखेगा और मस्तक तो वो बड़ी रूप में विष्णु जी ने कैसे सामना कर लिया उसका? कभी कभी क्या है, बाहुबल से सीधी लड़ाई लड़ने की बजाय युक्ति से काम निकालना पड़ता है। हमसे नाथानी का एक बार तो देखा हुआ है, दोनों तो बाहुबल दिखा करके और रिश्वत दे करके प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, अखबार वालों को बाहुबल जेल में डलवा दिया। अभी कोई दोबारा गलती फिर करनी है? राशि किसका है? मधुबन में भी माया आती है कि नहीं? माया बना हो गया उनके तो मन में इच्छा रहते ना, अरे बाबा देखने के लिए जो करने रहते हैं घर में। बाबा बेटे अभी तुम जाओ, कितने साल से बोल रहे हैं अभी तुम जाओ, अभी तुम जाओ। जो टीचर थे वही अभी तो नहीं बनेंगे तो स्कूल कैसे बनेंगे? अभी तो नहीं बनना है तो कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं बनेंगे, ऐसे तो बनेंगे अभी नहीं जाएगा। कभी नहीं जाएगा, जाएगा लड़ाई पूरा होगा तो जाएगा। फरुखाबाद में भी मिलना बंद कर दिया, चंडीगढ़ में भी मिलना बंद कर दिया, दिल्ली में भी मिलना बंद कर दिया, दिल्ली में पार्कों में मिलते थे वो भी मिलना बंद कर दिया। माया कहती कि मैं नहीं मिलूंगी तो मैं किसी को नहीं मिलने दूंगी। अब जब चारों तरफ से बंद हो गया तो अभी बाबा घरों घरों में जाकर मिलना, एक बार आने की अब टूर लगाएगा तो कम से कम 100-200 आदमियों से मिलना हो जाएगा। अभी जम्मू हो गया, 8-10 आदमी से उनसे मिलना हो गया। हिम्मत के बच्चे बदले बाप।
हिम्मत करो तो मन चल देता है। जैसे बेसिक थिएटर है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आज उसमें फिल्म कोई नहीं निकला। बेसिक सेंटर स्ट्रांग नहीं है, ये इस्लाम धर्म में और क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाले स्ट्रांग है, वो कभी दूसरे धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। जो क्रिश्चियंस हैं और जो मुसलमान हैं वो कभी दूसरे धर्म के शास्त्रों को ज्ञान को नहीं सुनते, तो शूटिंग कर रहे हैं। कान में उंगली दे लो ऐसा कहना, जब दादी मानेगी कुमार का दादी मानेंगे, जो जिस धर्म का होगा जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा। और कुमार का दादी इस्लाम धर्म में जाने वाली है मुसलमान धर्म में, तो वो उन्हीं की बात मानेगी। मुझे तो बोला हुआ है डायरेक्ट, मुझे सुनेंगे तो फर्स्ट क्लास है, टेपकार से सुनेंगे तो सेकंड क्लास है, और कागज में मुरली पढ़ेंगे सुनेंगे तो थर्ड क्लास मुरली। तो फर्स्ट क्लास मुरली कहाँ से मिले, तो पहचानेंगे तभी तो फर्स्ट क्लास मुरली मिलेगी। किसी गरीब निवाज की कोई न पूछे बात, तुलसीदास जी ने जब रामायण लिखी थी तो तुलसीदास जी की रामायण कोई सुनना नहीं चाहता था। ऐसे ही होता है, सच्चाई जब निकलती है तो उस समय उसका ज्यादा मान नहीं होता, बाद में उसका बहुत मान होता है। पहले तो इतना मान नहीं है, सूर्य भी चढ़ा दिया, फिर बाद में अब दुनिया में कितना किताब, अब दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या क्रिश्चियन की है। माया माया करती है, अरे निश्चय पत्र है ना, वो देखने के बाद तो गुस्सा आ गया। निश्चय पत्र ज्ञान चल रही है, बेसिक घर में बेसिक सेंटर, बेसिक सेंटर है तो उन्हें मुरली नहीं सुनते हैं। मुरली में तो लिखा हुआ है कि लिखवा लेना चाहिए, उनका एड्रेस बताओ कौन है, ऐसे नहीं मानना चाहिए। एक बार लिखा सौ बार बक्का, मुख से आदमी सौ बार बोल दे और एक बार लिख दे तो वो ज्यादा वैल्यूबल है। वो मानते नहीं है ना, तो मुरली को नहीं मानती ना, वो मुरली में जो बात लिखी हुई है माउंट आबू की तो मुरली है, सब हिंदी में है। अब आसाम वाले हिंदी जानते नहीं है उतनी, तो मुरली में क्या क्या बोला है उनको ये पता भी नहीं है, वो जैसा बता देंगे वैसा ही मानेंगे। 22 साल हो गया धार्मिक चेष्टा में, 22 साल में हिसाब कितना बना पढ़ाई लिखाई का, जीरो। छोड़ने के वाले तो छोड़ने वाले तो है ही नहीं, सारी दुनिया को साथ में लेके जाना है। जब पढ़ाई पढ़ाते हैं मुरली की तो मुरली की पढ़ाई की मुरली के पॉइंट से मारा जा सकता है, क्योंकि वो मुरली में तो ये बात लिखी बेसिक के सेंटर जब बन गए घर में रहते हैं वो लोग जैसे समझे समझे हुए मैंने बाबा की मुरली की तो फेदा नहीं है, मुरली के ऊपर फेदा होना चाहिए। मुरली से प्यार तो मुरली घर से प्यार, देहधारियों से प्यार हो गया, देहधारियों से प्राप्ति होगी, मुरली से प्यार होगा तो मुरली से मुरली घर से प्राप्ति होगी। गीता में भी लिखा है जो भूत प्रेतों की पूजा करने वाले हैं भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं, जो देवताओं की पूजा करने वाले हैं वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं, जो मेरे उपासक है वो मेरे से डायरेक्ट प्राप्ति करते हैं। तो किससे प्राप्ति करना अच्छा है, आत्मा रूपी सुई की सारी कट उतरने पर तुम डायरेक्ट बात से सीखोगे सीखोगे, माना कोई भविष्य में ऐसा टाइम आने वाला है ना जो कुछ बच्चों को डायरेक्ट बात पढ़ाई पड़ेगा और किसी देहधारी से नहीं पढ़ेंगे। 8वीं पास कर लेते हैं, 10वीं पास कर लेते हैं, चपरासी अपराधी बन जाते हैं। यही आते दादी कल में बोलते नहीं के क्या बाबा ने ब्रह्मा को तो आते हैं तो बोलते हैं, बाबा तो बोलते हैं, देवताओं को इशारा दिया जाता है और जो मनुष्य होते हैं उनको बोल के समझाया जाता है। यहाँ तो बोल के भी समझा रहे हैं या देखो वाणी बोलते तो है बता तो दिया जैसे तुम बच्चे सेवा स्थान चेंज करते हो, जैसे बाप दादा ने सेवा स्थान चेंज किया है, और सब गांधारी में जैसे जान बूझ करके पट्टा बांधा हुआ था आंखों में ऐसे सच्ची बात को न मानने उसके लिए क्या किया जाए। अब देखो वाणी ने तो 20 बार बोला हुआ है,
प्रकाशमणि दादी से सब जानते हैं। प्रकाशमणि दादी ही तो गंदारी की तरह आंखों में पट्टी बांध कर बैठी हुई है, जान बूझ के अरियर जुड़ाव किए। अभी तो उनको सुनाई भी नहीं पड़ता। एडवांस पार्टी के 10-15 लोग गए थे अंदर बात करने के लिए दादी से, तो कान की मशीन उतार के रख दी। भाई लोग बोलते रहे, वो अपने शब्द सुनती रही, कोई जवाब नहीं।